हे गाइस, ऑल टेक अपडेट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सो फाइनली एक हाइलाइटेड मॉडल सैमसंग गैलेक्सी F62 पे ये वीडियो पूरी तरीके से बन चुकी है। और गाइस मैं आपको बता दूं, F62 जो है आपको इंडिया में 15 फरवरी को लॉन्च होता हुआ देखेगा, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस जो है पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं, स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। अगर आप इस फ़ोन को जो है इंडिया में परचेस करना चाहते हैं तो आप किस प्राइस में परचेस करोगे वो भी जो है पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन और एक कंफ्यूजन भी दूर करूंगा जो बहुत सारे लोगों को हो रही है कि सैमसंग गैलेक्सी F62 में 4G होने वाला है कि 5G होने वाला है। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और गाइस इस वीडियो का टारगेट मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक कर रखा है, आई होप कि आप जो है जल्द से जल्द इसको पूरा कर दोगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F62 जो है आपको एक फ्लैगशिप मॉडल देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस बहुत ही ज़बरदस्त है और जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा उस प्राइस में इसका स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको इसका लुक डिज़ाइन देखोगे तो इसका लुक डिज़ाइन जो है आजकल जो ट्रेंडिंग में चला हुआ है ग्रेडियंट डिज़ाइन, वो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे X7 और X7 Pro देखोगे तो वो जो है आपको ग्रेडियंट डिज़ाइन में देखने को मिल रहा है, वही ग्रेडियंट डिज़ाइन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। कलर वगैरह बहुत ही शानदार होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं डिज़ाइन के ज़रिए तो आप इस फ़ोन को जो है परचेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप मॉडल में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देती ही देती है, तो आपको जो है इस फ़ोन में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। सेंटर पे कैमरा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब उसके बाद जो है इसका एक मेन फोकस है वो है इसका बैटरी बैकअप और इसका प्रोसेसर। तो गाइस प्रोसेसर तो आपको क्लियर हो चुका होगा, इस फोन में जो है आपको एक्जिनोस का जो है 9825 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब दो सिम अलग से मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। साथ में आपको इसमें 7000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 7000mAh की बैटरी मतलब एक बिग साइज डिस्प्ले पे एक बिग साइज बैटरी होने वाली है। अरे डिस्प्ले की तो बात मैंने की नहीं। तो गाइज इस फोन में जो है आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ आपको 6.7 इंच की जो है साइज देखने को मिलेगी, एक बिग साइज है। तो आप इसमें मूवी का, गेमिंग का, हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अब गाइज प्रोसेसर तो आपको पता चल गया कि एक्जिनोस का 9825 वाला प्रोसेसर है जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए भी आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलेगा। अगर आप इस फ़ोन को लेते हो तो आप प्रोसेसर से तो 110% जो है सेटिस्फाइड रहोगे। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। बैटरी बैकअप के लिए आपको जो है इसका जो चार्जर मिल रहा है वो मिल रहा है 25W का चार्जर। तो 25W का एक फास्ट चार्जर है तो आपका बैटरी जो है जल्दी ही जो है चार्ज हो जाएगा। लुक डिज़ाइन अच्छा है, सब चीज़ ओवरऑल बेस्ट है। अब अगर इसके एक और फोकस वाली चीज़ों की बात करें तो वो है इसका कैमरा। कैमरे में आपको 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट जो है आपको 32MP का देखने को मिलेगा। एक सेल्फी अगर फोटो लेनी हो तो आपको इसमें 32MP। अब आप सोच सकते हो कि सैमसंग अगर अपनी डिस्प्ले सुपर एमोलेड दे रही है तो उसमें कैमरे की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका फिंगरप्रिंट जो है वो साइड माउंटेड है, मतलब कि आपको साइड पे देखने को मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट नहीं है, आपको साइड में देखने को मिलेगा। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे वो लगी, अगर सुपर एमोलेड पे अगर रिन डिस्प्ले होता तो मज़ा आ जाता। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर इसके प्राइस की बात कर लें तो गाइज ये फ़ोन जो है आपको जो है 25,000 या 24,000 में 110% आने वाला है, मतलब ये कि 24,000 से 25,000 में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन वो भी सैमसंग का आपको इस बार जो है देखने को मिलेगा। ये जो है इस टाइम जो है कंपटीटर के तौर पर उतरा हुआ है, मतलब कि आपको पता है कि रियलमी और रेडमी के जो स्मार्टफोन है 25,000 की रेंज के उसको ये 110% बीट करने वाला है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी कमाल के। एक्जिनोस का नया प्रोसेसर आपको देखने को इसमें मिल रहा है। आप इसमें ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन देखोगे बहुत ही ज़बरदस्त है। 7000mAh की बैटरी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6.7 इंच की बिग साइज डिस्प्ले, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है, रेंज भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ आप अगर देखोगे तो इसमें बेस्ट है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न आपको इसमें ज़रूर दिख रही होगी, वो है इसका 4G या 5G। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि ये स्मार्टफोन जो है 4G पे रहने वाला है। यस,
ये स्मार्टफोन आपको जो है 4G पे देखने को मिलेगा, 5G पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर 5G पे देखने को मिलता, हो सकता हो कि मेरी बात ये गलत हो जाए, 5G स्मार्टफोन आपको ये देखने को मिल जाए कल की डेट में, मतलब 15 फरवरी को जब ये फ़ोन लॉन्च हो, तो 110% ये कहा जाए कि ये फ़ोन जो है 5G है। लेकिन मुझे जो पता चला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ोन जो है 4G पे रहने वाला। अब आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, अगर ये फ़ोन 4G पे रहा तो ये फ़ोन आपके लिए कितना बेहतर होने वाला है। तो गाइज़, ये फ़ोन जो है आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगा, 6GB रैम और 8GB रैम। 6GB रैम का जो है हो सकता है 23,999 रहे, और उसके बाद जो है 2,000 बढ़ा करके मतलब कि 8GB रैम रहने वाला। तो दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बेस्ट है, बस यही कंफ्यूजन था कि 4G 5G में कौन सा फ़ोन ये रहने वाला है। तो ये फ़ोन जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है ये फ़ोन 4G रहने वाला है। अगर 15th को ये लॉन्च होता है उसमें अगर 5G कहते हैं तो ये फ़ोन ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।